स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस. स्पाइट मतलब क्या होता है? घृणा. स्पाइट मतलब द्वेष, घृणा. डिस्पोंडेंस अर्थात निराशा. Why are you looking so despondent? तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो? और don't say all this with spite. घृणा, नफरत, ईर्ष्या के साथ, द्वेष के साथ ये मत बोलो. स्पाइट बहुत तेज घृणा, तीव्रता रहती है उसके घृणा में, उसे कहते हैं स्पाइट. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा और घृणा. ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर. इनह्यूमन अमानवीय. ह्यूमन मतलब मानवीय, इनह्यूमन मतलब अमानवीय. डर्थ माने कमी. देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड यंग पीपल हु कैन वर्क हार्ड. आज युवा, ऐसे युवाओं की कमी है जो कठिन श्रम कर सकें. There is a dearth of people, shortage of people. There is a dearth of good English speaking people in this area. अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों की इस क्षेत्र में कमी है. तो ये हुआ dearth. So what is the dearth here? Dearth of the inhuman dearth of noble nature. Noble, देखिए noble की spelling देखिए. Noble मतलब बहुत उच्च श्रेणी का, नेक. यू आर वेरी नोबल हार्टेड पर्सन. आप बहुत नेक दिल वाले इंसान हो. ही इज़ अ नोबल मैन. स्पेलिंग इज NOBLE. और एक होता है नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार. पैसे के सबसे ज़्यादा पैसा उस पुरस्कार में मिलता है, उसे कहते हैं नोबेल पुरस्कार, जो एक व्यक्ति के नाम से है, सर अल्फ्रेड नोबेल, और उसकी स्पेलिंग है NOBEL. तो आपको स्पष्ट याद रखना चाहिए कि नोबल मतलब नेक, नोबल मतलब उच्च श्रेणी का, और नोबेल एक व्यक्ति का नाम जिसके नाम से पुरस्कार है. यहाँ बात हो रही है नोबल की. तो ऐसे लोगों की कमी है जो नेक नेचर के हैं, नेक प्रकृति वाले हैं, जो जो मानवीय हैं. ऐसे लोगों की कमी है आज. दिस इज व्हाट ऑथर हैज टू से. ऑफ ग्लूमी डेज. ग्लूमी मतलब अंधकार में, अंधकार में, अंधकार में दिन. ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेज. ऐसे सब अस्वस्थ और अंधकार में रास्ते. सब अस्वस्थ और अंधकार में, डार्कन्ड. ओवर को देखिए कैसे लिखा है, ओ एपोस्ट्रॉफी ई आर. इसका मतलब ओ के बाद वी जो है उसको हटाकर एपोस्ट्रॉफी लगा दिया है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट इंग्लिश, यू कैन डू दैट. सो इन ऑर्डर टू शॉर्टन इट, ही जस्ट पुट एन एपोस्ट्रॉफी ओवर डार्कन्ड वेज. डार्कन मतलब अंधकार में रास्ते, अंधकार में मार्ग. ऑफ ऑल द अनहेल्थी, अस्वास्थ्य, अस्वस्थ, अनहेल्थी और डार्कन्ड वेज मतलब अंधेरे रास्ते. मेड फॉर अवर सर्चिंग, खोजने के लिए. मेड फॉर अवर सर्चिंग, खोजने के लिए. इसका अर्थ क्या हुआ? इसीलिए प्रत्येक सुबह हम अपने को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, पृथ्वी से जुड़े रखने के लिए फूलों वाला कमरबंद चुनते हैं. फूलों वाले कमरबंद का उपयोग करते हैं, उसे गूंथते हैं. निराशाजनक, द्वेष, मानवीय मूल्यों की कमी, उदासी के दिनों की, ये सब अस्वस्थ और अति अशुभ अंधकार में रास्ते की खोज हम करते रहते हैं. ये निराशा वाली पंक्ति है. इस पैराग्राफ में बिल्कुल उल्टा कहा गया है जो पहले पैराग्राफ में कहा है. पहले पैराग्राफ में, पहले अनुच्छेद में कवि ने सुंदरता का बखान किया है, उसकी महत्ता को बताया है,
और दूसरे में वो बताता है कि एक ओर जहाँ सुंदरता है वहीं दूसरी ओर मानव मन में ये सब बातें भरी हुई है, निराशा है, अंधकार है, अस्वस्थ माहौल है और रास्ते में भटक गया है, खोज रहा है वो अपने। तो उसको लेके कहना है कवि का कि इन सब की कमी है और रास्ते भटक गए हैं, खोजते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद, हाँ इन सब के बावजूद कोई सुंदरता का रूप हमारी उदास अंतरात्माओं से नीरसता का आवरण उतार लेता है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये सब बोलने के बाद वो कहते हैं यस, हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। पहला एक शब्द था स्पाइट, केवल स्पाइट, स्पाइट मतलब द्वेष। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन प्लेस ऑफ के बदले में। तो यहां है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये सब बुराइयों के बावजूद। कवि ने शुरू में बुराइयां गिराई, ग्लूमी डेज, डर्थ ऑफ नोबल सोल्स, डिस्पोंडेंस, स्पाइट, डार्कनेस एवरीवेयर, एंड देन ही सेज लेकिन, यस लेकिन, हाँ इन सब के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। स्पाइट मतलब क्या होता है? घृणा। स्पाइट मतलब द्वेष, घृणा। डिस्पोंडेंस अर्थात निराशा। Why are you looking so despondent? तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो? और don't say all this with spite, घृणा, नफरत, ईर्ष्या के साथ, द्वेष के साथ ये मत बोलो। स्पाइट बहुत तेज घृणा, तीव्रता रहती है उसके घृणा में, उसे कहते हैं स्पाइट। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा और घृणा, ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। इनह्यूमन अमानवीय, ह्यूमन मतलब मानवीय, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, डर्थ माने कमी। देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड यंग पीपल हु कैन वर्क हार्ड। आज युवा, ऐसे युवाओं की कमी है जो कठिन श्रम कर सकें। देयर इज अ डर्थ ऑफ पीपल, शॉर्टेज ऑफ पीपल। देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इन दिस एरिया। अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों की इस क्षेत्र में कमी है। तो ये हुआ डर्थ। सो व्हाट इज द डर्थ हियर? डर्थ ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। नोबल, देखिए नोबल की स्पेलिंग देखिए, नोबल मतलब बहुत उच्च श्रेणी का, नेक। यू आर वेरी नोबल हार्टेड पर्सन, आप बहुत नेक दिल वाले इंसान हो। ही इज अ नोबल मैन, स्पेलिंग इज NOBLE। और एक होता है नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, पैसे के सबसे ज़्यादा पैसा उस पुरस्कार में मिलता है, उसे कहते हैं नोबेल पुरस्कार, जो एक व्यक्ति के नाम से है, सर अल्फ्रेड नोबेल, और उसकी स्पेलिंग है NOBEL। तो आपको स्पष्ट याद रखना चाहिए कि नोबल मतलब नेक, नोबल मतलब उच्च श्रेणी का, और नोबेल एक व्यक्ति का नाम जिसके नाम से पुरस्कार है। यहाँ बात हो रही है नोबल की। तो ऐसे लोगों की कमी है जो नेक नेचर के हैं, नेक प्रकृति वाले हैं, जो जो मानवीय हैं, ऐसे लोगों की कमी है आज। दिस इज व्हाट ऑथर हैज टू से। ऑफ ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब अंधकार में, अंधकार में, अंधकार में दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ऐसे सब अस्वस्थ और अंधकार में रास्ते, सब अस्वस्थ और अंधकार में, डार्कन्ड। ओवर को देखिए कैसे लिखा है, ओ एपोस्ट्रोफी ई आर, इसका मतलब ओ
के बाद वी जो है उसको हटाकर एपोस्ट्रोफी लगा दिया है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट इंग्लिश, यू कैन डू दैट. सो इन ऑर्डर टू शॉर्टन इट ही जस्ट पुट एन एपोस्ट्रोफी ओवर डार्कन्ड वेज. डार्कन्ड मतलब अंधकार में रास्ते, अंधकार में मार्ग. ऑफ ऑल द अनहेल्थी अस्वस्थ अस्वस्थ अनहेल्थी और डार्कन्ड वेज मतलब अंधेरे रास्ते मेड फॉर अवर सर्चिंग खोजने के लिए, मेड फॉर अवर सर्चिंग खोजने के लिए. इसका अर्थ क्या हुआ? इसीलिए प्रत्येक सुबह हम अपने को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, पृथ्वी से जुड़े रखने के लिए फूलों वाला कमरबंद चुनते हैं, फूलों वाले कमरबंद का उपयोग करते हैं, उसे गूंथते हैं. निराशाजनक द्वेष, मानवीय मूल्यों की कमी, उदासी के दिनों की ये सब अस्वस्थ और अति अशुभ अंधकार में रास्ते की खोज हम करते रहते हैं. ये निराशा वाली पंक्ति है. इस पैराग्राफ में बिल्कुल उल्टा कहा गया है जो पहले पैराग्राफ में कहा है. पहले पैराग्राफ में, पहले अनुच्छेद में कवि ने सुंदरता का बखान किया है, उसकी महत्ता को बताया है, और दूसरे में वो बताता है कि एक ओर जहाँ सुंदरता है वहीं दूसरी ओर मानव मन में ये सब बातें भरी हुई है. निराशा है, अंधकार है, अस्वस्थ माहौल है, और रास्ते में भटक गया है, खोज रहा है वो अपने. तो उसको लेके कहना है कवि का कि इन सब की कमी है और रास्ते भटक गए हैं, खोजते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद, हाँ इन सब के बावजूद कोई सुंदरता का रूप हमारी उदास अंतरात्माओं से नीरसता का आवरण उतार लेता है. दिस इज वॉट ही सेइंग. ये सब बोलने के बाद वो कहते हैं यस, हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद. पहला एक शब्द था स्पाइट, केवल स्पाइट. स्पाइट मतलब द्वेष. इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन प्लेस ऑफ के बदले में. तो यहां है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये सब बुराइयों के बावजूद. कवि ने शुरू में बुराइयां गिराई, ग्लूमी डेज, डर्थ ऑफ नोबल सोल्स, डिस्पोंडेंस, स्पाइट, डार्कनेस एवरीवेयर. एंड देन ही सेज लेकिन, यस लेकिन, हाँ इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे. सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर आकार, कोई सुंदरता का रूप हमारी उदासी को दूर कर देता है. मूव्स अवे, क्या चीज़ को दूर कर देता है? हमारी उदासी के आवरण को. पैल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट. पैल मैंने आवरण, पैल मैंने चादर, पर्दा, जो इन सब चीज़ों में, इन जो निराशाजनक चीज़ें हैं, जो ग्लूमी हैं, जिसमें डर्थ है, कमी है, अनहेल्थी हैं, इन बुराइयों को सुंदरता का कोई रूप, सुंदरता का कोई पहलू इन सब बुराइयों को आवरण से ढक देता है. और निराशा की जो भावना है, हमारे उदास अंतरात्माओं के अंदर की जो नीरसता है, उसको दूर कर देता है, उससे उस आवरण को उतार देता है. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अगेन फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट द पोएम ब्यूटी, व्हाट इज ब्यूटी. इन सेकंड पैराग्राफ वर्ल्ड इज सो मच बैड बट द ऑथर इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. जो कवि है वो बहुत आशावादी है. वो कहता है इन सब कमियों के बावजूद, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, द पैल comes and some kind of beauty
मूव्स अवे द पैल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमें निराशा का जो आवरण है, निरस्ता का जो आवरण है उसे उतार देता है। कौन उतार देता है? कोई सुंदर वस्तु, कोई सुंदर विचार, कोई सुंदर भावना, कोई सुंदर दृश्य, यानी सुंदरता की अहमियत की ओर इशारा कर रहा है कवि यहाँ पर, राइट। स्पिरिट्स मतलब आप जानते हैं, स्पिरिट मतलब आत्मा, अंतरात्मा, स्पिरिट। और एक स्पिरिट आप केमिस्ट्री में उपयोग करते हैं, और यहाँ पे भी स्पिरिट है, वो स्पिरिट का मतलब है अंतरात्मा। अंतरात्मा से निरस्ता की जो चादर है, उदासी की जो चादर है, निराशा की जो चादर है, हताशा की जो चादर है, जीवन से हताशा की, उसको हटा देती है कोई भी सुंदर वस्तु, कोई भी सुंदरता, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सुंदरता हो। नाउ वी कम टू पैरा 3 ऑफ दिस पोयम। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंट्रास्ट व्हेन यू कंपेयर्ड फर्स्ट पैराग्राफ विद द सेकंड पैराग्राफ। नाउ वी कम टू द थर्ड वन। सच द सन द मून, सच मतलब ऐसा, द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग शेडी बून। स्प्राउटिंग मतलब जन्म देना, फैलना, जमीन से पौधे स्प्राउट होते हैं, यानी बीज जो है जब वो पौधे का रूप लेना लगता है, शुरुआती दौर को स्प्राउटिंग कहते हैं, अंकुरित होना। स्प्राउट का अर्थ होता है, टू स्प्राउट मतलब अंकुरित होना। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। व्हाट इज डैफोडिल्स? ए काइंड ऑफ फ्लावर्स, पीले रंग का फूल। And clear rills. I repeat these lines. Such, the moon, the sun, trees, old and young, sprouting a shady boon. छायादार वरदान, छायादार जो boon मने वरदान, bane मने श्राप, BANE, bane यानी श्राप और boon यानी वरदान। इस क्षेत्र में, इस उद्योग के खुलने का खुलना इस क्षेत्र के लिए वरदान है। इट्स ए बून टू हैव दिस इंडस्ट्री ओपनिंग इन दिस एरिया, इट्स ए बून। सो द ऑपोजिट ऑफ बून इज बेन। स्प्राउट मतलब अंकुरित होना, जन्म लेना, सामने आना। फॉर सिंपल शीप, भेड़ों के लिए, शीप यानी भेड़, भेड़ों के लिए वो छायादार जो देते हैं। And such are daffodils with a green world, और चारों तरफ हरियाली में daffodil फूल खिले हुए हैं, अपनी छटा छोड़ते हुए, रंग भरी छटा, रंग बिरंगी छटा छोड़ते हुए। And clear rills. So इस प्रकार, such मतलब इस प्रकार, so इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पुराने और यंग पेड़, युवा पेड़, साधारण भेड़ों के लिए अंकुरित हुए छाया के रूप में वरदान बन जाते हैं। किनके लिए? भेड़ों के लिए। सामान्य भेड़ बेचारे उस छाया के नीचे आके रहते हैं, वो उनके लिए वरदान हो जाता है। बड़ी सरल चीज़ है। और ऐसा नरगिस के पीले फूल हैं, जैसा मैंने कहा डैफोडिल्स येलो कलर का होता है, तो नरगिस भी कहते हैं। ऐसे नरगिस के पीले फूल हैं जो हरियाली में आच्छादित हैं, फैले हुए हैं, हरी भरी दुनिया के बीच में रहते हैं, रंगों की छटा छोड़ते रहते हैं। और उसके साथ ही रिल्स, रिल्स मतलब क्या होता है? रिल्स मतलब होता है छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे झरने, झुरमुट, जिसको हम रिल्स को कहेंगे, एक तरीके से पानी की छोटी छोटी धाराएं। तो निर्मल छोटी धाराएं
बहती रहती हैं, मानो वे स्वयं के लिए निर्मल छोटी धाराएं, मानो स्वयं के लिए ग्रीष्म ऋतु में ठंडक प्रदान कर रही हूँ। सी द ब्यूटी, द वे द ऑथर हैज नैरेटेड दिस नेचर, प्रकृति का कितना बढ़िया विवरण बड़े संक्षिप्त में उसने किया है। और विवरण कर देते हुए वो कहता है कि पेड़ों की छाया, पुराने पेड़, नए स्प्राउटेड होने वाले पेड़, उनकी छाया जो है वो भेड़ों के लिए वरदान हो जाती है। और भेड़ का जिक्र यहाँ इसलिए है क्योंकि पश्चिमी देशों में भेड़ पालन एक बहुत बड़ा उद्योग है। जिस तरह मत्स्य पालन होता है, जिस तरह हमारे यहाँ भारत में गायों का पालन होता है, वहाँ पर भेड़ों का पालन होता है, क्योंकि उसके ऊन का बड़ा भारी उपयोग वहाँ होता है ऊल के रूप में। तो इसलिए भेड़ का जिक्र है इस कविता में। आप समझ लीजिए, भेड़ से इसका तात्पर्य है जानवरों को छायादार जो माहौल देते हैं वो एक वरदान साबित होता है। और जो रिल्स हैं, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक, दैट फॉर देमसेल्फ, अपने स्वयं के लिए रिल्स जो हैं वो क्या बनाती हैं, एक ठंडक प्रदान करने वाला आश्रय बना देती हैं स्वयं के लिए। निर्मल जो छोटी छोटी धारा बह रही है झाड़ियों के बीच से, निर्मल जो धाराएं रास्ता बनाते हुए ग्रीष्म ऋतु में जंगल के बीचों बीच से चल रही हैं, ये छोटी निर्मल धाराएं गर्मी के समय में अपने को स्वयं को ठंडक प्रदान करने के लिए एक तरीके से आश्रय हैं, स्वयं का सहारा बनती है। देयर आफ्टर नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अगेंस्ट द हॉट सीजन। अब देखिए अगेंस्ट को कैसे लिखा है, ए फिर गायब है, अगेंस्ट का ए और उसके बदले एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। सो दीज आर द वेज दैट पोएट यूज फॉर राइमिंग पर्पज और इवन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन। एंड सो ही सेज अगेंस्ट द हॉट सीजन, भारी गर्मी के बैकग्राउंड में द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल की कटीली झाड़ियों के बीच, जंगल की कटीली झाड़ियों की बात कर रहा है, उन झाड़ियों के बीच पूर्ण खिलते हुए कस्तूरी गुलाब के फूल बिखरे पड़े हैं। पहले कौन से फूल का जिक्र था, नरगिस। किस रंग के होते हैं, पीले रंग के। फूल का नाम अंग्रेजी में क्या है, डैफोडिल। अब यहाँ क्या कहता है, अगेंस्ट द हॉट सीजन ये बहती रहती हैं निर्मल धाराएं और मानो अपने स्वयं को ठंडक प्रदान करती हैं। एंड देन ही से द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में कटीली झाड़ियों के बीच में, रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मास्क रोज ब्लूम्स। स्प्रिंकलिंग मतलब फैलाओ, टू स्प्रिंकल मैंने फैलाना, स्प्रिंकल वाटर ऑन द प्लांट्स, पौधों में पानी को छिड़को, छिड़कना फैलाना, स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन द प्रिपरेशन दैट यू हैव मेड, आपने जो भोजन के लिए खाने के लिए जो चीज़ बनाई है उस पे ऊपर नमक को स्प्रिंकल करें। तो स्प्रिंकल का मतलब छिड़कना भी होता है, छिंक, इसीलिए बना है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब वह चीज़ जिसे हम फव्वारा कहते हैं, जो पानी को फैलाता है और खेतों में सामान्यतया या बगीचों में उस जो लगाया जाता है फव्वारा, जो पानी देता है, फैलाव देता है, उसे स्प्रिंकलर कहते हैं। तो द ऑथर सेज हियर रिच विथ ए स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, फेयर मस्क रोज ब्लूम मतलब मस्क रोज यानी कस्तूरी गुलाब, एक खास तरह का गुलाब जो वहाँ सामान्यतया पाया जाता है, कस्तूरी गुलाब फैले हुए पड़े हैं, स्प्रिंकल्ड हैं, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर। और कहाँ पड़े हुए हैं, उस दृश्य को याद करिए, कटीली झाड़ियों के बीच एक जंगल में, क्या दृश्य होगा, कितना मनोरम, कितनी सुंदरता। वह दृश्य कितना सुंदर होगा जब पानी की बहुत निर्मल धारा, बारीक धारा बहती हुई दिख रही हो,
वह दृश्य कितना सुंदर होगा जहाँ पर भेड़ शीप्स पेड़ों की छाया के नीचे आराम कर रहे हों, तन्मयता से लीन हों। तो इन रमणीय दृश्यों की चर्चा यहाँ पर हो रही है और उस क्रम में ऑथर कहता है ये सब चीज़ें हमारे जीवन को मधुर बनाती हैं, शांतमय बनाती हैं, प्रसन्न चित्त बनाती हैं। फेयर मतलब वैसे तो गोरा, प्यारा। फेयर का अदरवाइज अन्यथा मीनिंग होता है FAIR, फेयर यानी गोरा। दैट बॉय इज वेरी फेयर इन कलर, वह लड़का बहुत गोरा है रंग में। और यहाँ स्पेलिंग देखिए FAIR, FAIR फेयर का एक और अर्थ है मेला। टुडे आई हैड गॉन टू ए फेयर एंड फ्रॉम देयर आई बॉट दिस, आज मैं एक मेले में गया था, उसकी स्पेलिंग भी यही है। और एक फेयर और है FARE, फेयर यानी किराया। वॉट इज द फेयर फॉर ट्रेन फेयर फॉर रायपुर टू नागपुर, वॉट इज द ट्रेन फेयर फॉर रायपुर टू नागपुर, FARE, फेयर यानी किराया। उच्चारण एक ही है, स्पेलिंग अलग अलग हैं। कंटेक्स्ट को देखते हुए आपको समझना है कि कौन सा शब्द, कौन सी स्पेलिंग वाला शब्द लिया गया है और उस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है, यहाँ मेला अर्थ है या यहाँ गोरा अर्थ है। निश्चित रूप से इस कॉन्टेक्स्ट में फेयर का अर्थ गोरा, साफ सुथरा, साफ सुथरा। कटीली झाड़ियों के बीच खिलते हुए कस्तूरी गुलाब के फूल बिखरे पड़े हैं। एंड देन ही सेड एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द ग्लूम डूम्स, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द ग्लूम डूम्स। डूम मतलब क्या होता है? डूम मतलब एक बड़ा निराशाजनक शब्द है। डूम का अर्थ होता है बहुत बुरे दिन, बहुत निराशाजनक समय। उसका भी ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मतलब महानता, महत्ता, उसकी बात यहाँ ऑथर कर रहे हैं। और जॉन कीट्स कहते हैं कि डूम्स की भी अपनी बड़ी महानता दिखती है। एंड सच टू, टू मने यहाँ क्या हुआ, टू यानी ऑल्सो, TOO2, ऑल्सो भी। यू टू विल कम विथ मी, यू ऑल्सो विल कम विथ मी, तुम भी मेरे साथ आओगे। तो उसके लिए आप ऑल्सो का भी उपयोग कर सकते हैं, TOO2 का भी उपयोग कर सकते हैं। सो हियर ही सेज एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, डूम्स बुरे दिनों का भी इतनी महत्ता है, इतना डूम है कि इनफैक्ट डूम का अर्थ यदि देखा जाए तो वास्तव में उसका अर्थ होता है प्रलय। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का डूम्स डे कभी आएगा, प्रलय का दिन, जब पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, उसे कहते हैं डूम्स डे। तो यहाँ पर ऑथर सेइंग और प्रलय का वह वैभव, वह महत्ता, ग्रैंडियर मतलब वैभव। उच्चारण देखिए, ग्रैंड से बना है ग्रैंडियर, ग्रैंड मतलब विशाल, वैभवशाली, और ग्रैंडियर मतलब वैभव। तो इसका जो वैभव है जिसकी हम अपने उन शक्तिशाली मृतकों के लिए कल्पना करते हैं। अब शक्तिशाली मृतक से क्या तात्पर्य है? शक्तिशाली मृतक से उसका तात्पर्य है कि हम एक तरीके से अपने पूर्वजों को जब याद करते हैं उसकी भी अपनी महत्ता है। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को मधुर, शांत और प्रसन्न चित्त बनाती हैं। दे मेक अस लिव इन पीस। और प्रलय का वैभव जिसकी हम अपने उन शक्तिशाली मृतकों के लिए कल्पना करते हैं, सारी मनोरम कहानियाँ, सारी मनोहर कहानियाँ जो हम सुनते हैं, एंड सच इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। इमेजिन करना मतलब कल्पना करना, माइटी डेड मतलब शक्तिशाली विशाल संख्या में, जो प्रलय के समय, प्रलय का अर्थ क्या होता है, जिसमें मैंने बताया पूरा पृथ्वी समाप्त हो जाए,
प्रलय मतलब समाप्ति, पूरी पृथ्वी की समाप्ति, जिसमें केवल सभी लोग मौत के घाट चले जाएं। तो वो माइटी का अर्थ यहाँ पे शक्तिशाली का अर्थ यहाँ पे ताकतवर नहीं है, शक्तिशाली का अर्थ है भारी 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 संख्या में, अनगिनत, इन्यूमरेबल, अनकाउंटेबल। तो कहता है भारी संख्या के मृतकों के लिए हम कल्पना करते हैं, और वो जो सब बातें हम बड़ी मनोरम लगती हैं, मनोरंजक लगती हैं, हम जिन कहानियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऑल लवली टेल्स, टेल माने कहानी, TALE, टेल स्टोरी। यहाँ भी देखिए TALE, टेल माने स्टोरी, और टेल माने बात। टेल मी ए टेल, उच्चारण देखिए, टेल मी ए टेल, TELL और TALE, एक मुझे बात बताओ, एक कोई कहानी बताओ, छोटी सी कोई बात बताओ, और एक होता है TAIL, टेल। टेल माने पूंछ, द टेल ऑफ द डॉग, कुत्ते की पूंछ। और टेल मतलब क्या होता है? हेड का उल्टा, हेड का उल्टा टेल। एक सिक्के के दो साइड होते हैं, एक साइड कहलाता हेड और दूसरा साइड कहलाता है टेल। बिल्कुल चूंकि ऑपोजिट साइड में रहते हैं, इसीलिए एक को हेड बोलते हैं, एक को टेल बोलते हैं, हेड एंड टेल, राइट। तो टेल माने पिछला हिस्सा, पिछली बात। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं TAIL की नहीं, बल्कि TALE की, टेल। तो जो हम कहानियां सुनते हैं, जो हम मनोहर होती हैं, जो हमें हमें रोमांचित करती हैं, हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, अर्थात प्रकृति की जो सुंदरता का हम वर्णन कर रहे हैं उन प्यारी कहानियों के माध्यम से, उससे हमें पता लगता है प्रकृति कितनी सुंदर है। प्रकृति की सुंदरता का बखान उसमें सतत रूप से दिखाई देता है। हमने जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, उसमें लगातार इस बात का जिक्र रहता है। अब देखिए, ये बताते हुए सुंदरता का जब वर्णन कर रहा है, प्रकृति की सुंदरता का, तो क्या क्या बात कर रहा है? सूर्य की सुंदरता, चंद्रमा की सुंदरता, छोटे बड़े पौधों की सुंदरता, छायादार स्थल की सुंदरता, नरगिस के पीले फूलों की सुंदरता, मस्क गुलाब की सुंदरता, और उसके साथ ही स्वच्छ पानी का झरना, स्वच्छ पानी की सरिता, उसका बहाव। और उसके बाद कवि कहता है कि जंगल के बीच में जो ये फूल आते हैं, ये सब बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। पानी का जो झरना है, बड़ा सुंदर रमणीय दिखता है। भेड़ों का जो पेड़ के नीचे जो झुंड खड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर दिखता है। मन प्रसन्न हो जाता है, मन को शांत करता है, चित्त को शांत करता है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन माने क्या होता है? एक और मैंने आपको बताया स्प्रिंकल, स्प्रिंकल करना मतलब छिड़कना, फैलाना, और फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा, माउंटेन होता है पहाड़। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फाउंटेन की, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मतलब अमर, अमर जो हो गए हैं उनकी बात यहाँ की जा रही है। इमॉर्टल ड्रिंक्स पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, पोर करना मतलब डालना, लिक्विड को डालना, सॉलिड चीज को पोर, और प्लस अपने दिल की बात को, आई पोर्ड माय हार्ट टू यू, मैंने अपना पूरा दिल तुम्हारे सामने खोल दिया, आई पोर्ड माय हार्ट टू यू, यानी मैंने सब बात तुमको बता दी, अपने सारी विचार तुमको व्यक्त कर दिया। और एक होता है पोर वाटर स्लोली स्लोली इन टू द ग्लास, अदरवाइज इट विल फॉल, इट विल फॉल ऑफ। पानी को धीरे धीरे ग्लास में डालो, पोर वाटर स्लोली इन टू द ग्लास, अदरवाइज इट विल स्प्रिंकल, नहीं तो वो फैलेगा। इसलिए पानी को धीरे धीरे डालो ग्लास में। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोर, पोर मैंने डालना। यू हैव पोर्ड वाटर इन ऑल माई एफर्ट,
ये मुहावरे दार उपयोग, यू हैव पोर्ड वाटर इन ऑल माई एफर्ट्स, अरे मैंने जितना प्रयास किया था उसमें तुमने पानी डाल दिया यार, मैंने कुछ चीज़ बनाई थी बड़ी मेहनत से और तुम उस पर, तुम्हारा पैर चल गया वो टूट गई या तुम उस पर गिर गया, तो क्या बोलेंगे, अरे तुमने पूरे मेरा करा कराए बिगाड़ दिया, पानी डाल दिया, पानी फेर दिया। उसे अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव पोर्ड वाटर इन ऑल माई वर्क, इन ऑल माई थाट्स, इन ऑल माई ड्रीम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टू पोर वाटर का अर्थ देखिए कितना बढ़िया है, अर्थात प्रकृति की ये सुंदरता जो जॉन कीट्स इस कविता में बता रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो बहुत सारी प्यारी कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, प्रकृति एक अनंत रूप से फव्वारा है। दिस इज वॉट इज ही इज द ऑथर ट्राइंग टू से, कि जो प्रकृति है जिसका मैंने अभी बखान किया है, जिसकी सुंदरता का अभी मैंने विवरण दिया है, दिस नेचर इज ब्यूटिफुल, द नेचर दैट आई हैव नैरेटेड, जॉन कीट्स सेज आई हैव नैरेटेड सर्टन इंस्टेंसेस ऑफ द नेचर, मैंने प्रकृति के कुछ उदाहरण ही दिए हैं, एंड ईच ऑफ दीज इंस्टेंसेस शो द ब्यूटी ऑफ नेचर, एंड सो द नेचर इज अनंत, नेचर इज इमॉर्टल, प्रकृति जो है वो अनंत है, अनंत रूप से और एक फव्वारे की तरह है। नॉट ओनली इज इट इमॉर्टल, नॉट ओनली इज इट समथिंग दैट विल नेवर डाई, बट इट विल ऑल्सो एक्ट एज ए फाउंटेन, इट विल एक फव्वारे की तरह काम कर रही और वो फव्वारे में ऐसा लगता है मानो हम अमृत पी रहे हैं, स्वर्ग के किनारे से निकलने वाला अमृत। दिस इज जस्ट ए नरेशन, स्वर्ग के किनारे से निकलने वाला, ब्रिंक ऑफ द हेवन, फ्रॉम हेवन्स ब्रिंक, फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत, इमॉर्टल ड्रिंक किसे बोलेंगे, ऐसा पानी जो अमर कर दे उसे अमृत कहते हैं। तो ये तो अमृत की धारा है, ये सुंदरता जो है सतत रूप से बह रही है और मानो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग के किनारे से धारा बह रही है और उसे हम पिए। ब्रिंक माने किनारा, बी आर आई एन के, आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, मैं अब मृत्यु के बिल्कुल कगार पर हूँ, आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ रीचिंग द माउंटेन टॉप, मैं अब पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बिल्कुल कगार पर हूं। डोंट फिल वाटर इन टू द ग्लास अप टू द ब्रिंक, ग्लास में पानी ऊपर तक मत भरो भाई। तो ब्रिंक ये कितने अर्थ हो गया, देख यहाँ पे वो कहता है हेवन्स ब्रिंक, स्वर्ग के मतलब स्वर्गमयी माहौल है, पूरा पूरा रमणीय है। स्वर्ग के अर्थ ही क्या होता है, ऐसी जगह जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही रोमांचक हो, बहुत ही हमारे लिए शांतिमय हो, बहुत ही शानदार हो, ऐसी जगह का फव्वारा मानो छूट पड़ा है और हमें अमृत मिल रहा है।